नेक्स्ट टॉपिक है जनाब, हम जो अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो है WPF या विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। ये क्या है? तो WPF के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो हमारे विंडोज फॉर्म है इनके अंदर एक कमी महसूस की जाती है प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रेजेंटेशन इनकी इतनी अच्छी नहीं है। और जितनी भी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो या वेब एप्लीकेशन हो, तो उसमें प्रेजेंटेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लुक एंड फील। तो जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें अगर आपने डेवलपमेंट की हो तो उसमें एक डिज़ाइन व्यू होता है और एक सोर्स व्यू होता है और एक कोड व्यू होता है, यानी आप मार्कअप कोड भी लिख रहे होते हैं XML की फॉर्म में, और डिज़ाइन व्यू भी होता है और पीछे कोडिंग होती है। वेब एप्लीकेशन में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए मार्कअप कोड चाहिए होता है। तो इस हवाले से जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई थी और वो अभी भी है, उसका नाम है XAML, यानी कि एक्सटेंसिबल एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज। ये जो XAML है ये इस तरह की लैंग्वेज है जो कि सी शार्प का आप समझ लें मार्कअप कोड है, यानी जैसे सी शार्प में आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसमें आप एक टैग बनाते हैं। इस लैंग्वेज के अंदर विंडोज प्रेजेंटेशन के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। यानी देखिए, मैं यहाँ पर जो है वो एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, और ये जो प्रोजेक्ट है ये मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा WPF ऐप, ये सेकेंड ऑप्शन नज़र आ रहा है। यानी ये जो एप्लीकेशन होगी इसमें जो फ़र्क आएगा वो सिर्फ फ्रंट एंड फॉर्म का फ़र्क आएगा, बाकी सारी चीज़ें वही हो सकती हैं। और इसका नाम मैं रख देता हूँ माई फर्स्ट WPF एप्लीकेशन, और इसको कर देता हूँ मैं ओके। अच्छा, अब जब ये आपके सामने ओपन होगा तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आपको ये कुछ फाइलें नज़र आएंगी, app.xaml और विंडो मेन window.xaml। इसके अंदर इसके साथ इसकी सी शार्प फाइल है और इसके साथ इसकी सी शार्प फाइल है, तो बाकी चीज़ें तो वही हैं, बस फर्क सिर्फ ये है कि अब डिज़ाइन के साथ साथ नीचे आपको XAML नज़र आएगी। अब XAML सीखना बहुत लंबा चौड़ा मसला है, प्रॉब्लम है, तो उसकी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हम यहाँ ड्रैग करके ड्रॉप कर रहे होंगे नीचे XAML जनरेट हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि आप यहाँ से कोई भी चीज़ जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से एक बटन जो है वो ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि नीचे जो है वो उसकी XAML जनरेट हो गई है, ठीक है। इस बटन की प्रॉपर्टीज़ में जाकर प्रॉपर्टीज इसकी आप सेट कर सकते हैं, जिससे इसका नाम हमने रख दिया BTN स्टार्ट एनिमेशन, और यहाँ पे ब्रश जो है वो कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे आपको, जैसे आप चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड है उसको आप ग्रेडियंट डिफाइन करें और उसमें रेड और ब्लैक कम्बिनेशन वो आप डिफरेंट कर सकते हैं, फॉरग्राउंड कलर आप जो चाहें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरीके से आप इसके अंदर कुछ इफ़ेक्ट्स भी रख सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, इसमें ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं, शेडो का जो कलर होगा वो हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। फिर मजीद ये कि इसको हम किसी एंगल पे रोटेट कर देंगे, सही। ये जो बटन है इस पर आप चाहें तो डबल क्लिक कर दें अगर, तो अंडरस्कोर क्लिक मेथड आ गया। ये हुई सी शार्प का कोड है जो कि नॉर्मल आप विंडोज फॉर्म में लिखते हैं, समझ में आ रही बात है। यानी फर्क सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर जो चीज़ें हैं, कलर वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो कि विंडोज़ फॉर्म में अवेलेबल नहीं थी वो यहाँ आपको अवेलेबल है, बाकी सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। फिर ये कि इसमें जो है वो क्योंकि प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो
वो विजुअल स्टूडियो में एज सच बहुत सारे काम नहीं हो सकते, लिहाजा एक टूल भी अवेलेबल है जिसमें आप XAML रिलेटेड डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं इस एप्लीकेशन को देखें राइट क्लिक कर रहा हूँ, बल्कि मेन डॉट XAML को राइट क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिज़ाइन इन ब्लेंड। कोई भी XAML फाइल होगी उस पर अगर आप राइट क्लिक करें तो ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा डिज़ाइन इन ब्लेंड, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो के साथ जो है वो एक और टूल इंस्टॉल होता है माइक्रोसॉफ्ट ब्लेंड। ये पहले आता था एक्सप्रेशन ब्लेंड के नाम से, अब जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ब्लेंड के नाम से आता है। 2017 में भी इंस्टॉल होता है ये, 2015 में भी होता है, उससे पहले अलग से करना पड़ता था। अब होगा ये कि वो जो प्रोजेक्ट वहाँ विजुअल स्टूडियो में खुला हुआ था वो यहाँ खुल जाएगा। अब इसमें एक चीज़ समझ लें, एक चीज़ होती है डिज़ाइनिंग और एक चीज़ होती है डेवलपमेंट। तो विजुअल स्टूडियो डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, उसमें डिज़ाइनिंग नहीं हो सकती। ये जो ब्लेंड है ये डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, सही? तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप काम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इसका जो लुक एंड फील है ना वो रिलेटेड टू अ जैसे कि फोटोशॉप में या फ्लैश वगैरह में काम होता है ना, ये उस तरह की चीज़ है, सही? जैसे मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर जो है वो एक शेप जो है वो ड्रैग कर, यहाँ मैंने बना ली शेप, ये शेप बन गई, ठीक है? फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि इस शेप का जो है वो कलर डिफाइन कर देता हूँ, सही? अच्छा, फिर देखिए मैं यहाँ पर एक काम ही करूँगा कि यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट्स एंड टाइमलाइन, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा, एक स्टोरी बोर्ड ऐड कर दूँगा, स्टोरी बोर्ड वन। फिर मैं ये करूँगा कि ये की फ्रेम्स है, तो यहाँ से मैं इसको मूव करके यहाँ पर रख रहा हूँ, और इस ऑब्जेक्ट को मूव करके मैंने यहाँ रख दिया, तो नतीजा ये होगा कि ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है? आप चाहें तो इसका साइज़ बढ़ा दें, तो अब इसकी मूवमेंट के साथ साथ इसका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। फिर मैं ये करूँगा कि ये फ्रेम मैं यहाँ से उठा के नेक्स्ट यहाँ पर रख दूँगा और इसको ले जाऊँगा ऊपर, और इसका साइज़ भी कम कर दूँगा और इसका कलर भी चेंज कर दूँगा। तो अब की दफ़ा होगा ये कि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, सही है? अच्छा, फिर इसको मैं कर दूंगा सेव, और सेव करने के बाद यहाँ से कर जाऊंगा एग्जिट। नतीजा ये होगा कि वो जो सारा काम मैंने किया था वो इधर आ गया, इधर आ गया एग्जिट। वो काम आप इधर नहीं कर सकते विजुअल स्टूडियो में, उसके लिए आपको ब्लेंड में जाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये जो बटन क्लिक था इसमें देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो सकता है कि जब आप इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, अब ये एक सिंपल जैसे एक विंडोज फॉर्म रन होता है वैसे ही रन होगा, आप देखेंगे कि वो जो एनिमेशन हमने अप्लाई की है वो यहाँ चल रही है। बाकी आप बटन के क्लिक के ऊपर जो भी स्टेप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो हेलो, या डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स बना दें, यूजर से इनपुट लेके डेटाबेस में डेटा इंटर करा लें, वो सारे काम आप यहाँ वैसे ही कर सकते हैं, समझ में आ रही बात? यानी कि वो सारे काम जो विंडोज फॉर्म पे होते हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा लुक एंड फील, एनिमेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें भी यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें पीछे वही हैं। जो सी शार्प का कोड लिखना होता है वो वैसे का वैसे वही मौजूद है। बाकी आप यहाँ अगर देखें तो आपको नज़र आएगा कि भाई इधर टूल बॉक्स के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि विंडोज फॉर्म पे होती हैं, इनको ड्रैग करके आप यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, फॉर्म यहाँ पूरा बना सकते हैं आप, ठीक है? लेकिन
लेकिन ये जो WPF ऐप होगी इसमें फिर वो चीज़ें नहीं चलेंगी जो पीछे थी, यानी एक ऐप में दोनों चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो ये एक यूँ समझ लें एक रिप्लेसमेंट है, आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो मतलब फॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे विंडोज़ फॉर्म एक ट्रेडिशनल व्यू होता है उसका, फॉर्म्स का ना, जो कि वही रहता है ज़्यादातर लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन में वही लुक यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा XAML आ गई है तो थोड़ा XAML को सीखना पड़ेगा, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, तो ये एक स्पेशलाइजेशन है। अगर आपको ऑलरेडी डेवलपमेंट फॉर्म वगैरह में आ गई है और अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने बना लिए हैं तो आप इसमें भी बना सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है कि आप अपना जो प्रोजेक्ट है जो आप बनाएंगे वो अगर इसको यूज़ करके बना लें WPF को, तो आपको थोड़ी XAML की नॉलेज भी हो जाएगी, लेकिन ऑप्शनल है ये, अगर आपके पास टाइम हो तो। फर्क सिर्फ और सिर्फ आएगा किस चीज़ में, लुक एंड फील में, बाकी चीज़ें वही है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर वगैरह, अब ये मेन विंडो है इसकी आप चाहें तो इसका भी बैकग्राउंड डिफाइन कर सकते हैं जो आप समझते हैं या बेहतर लगता है आपको, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ जो है वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर है, सही है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, किसी ने अगर वो फ्लैश यूज़ किया हो ना, फ्लैश एक सॉफ्टवेयर है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एनिमेशन बना के फिर उसमें आप करके वो काम करते थे, वो यहाँ आप कर सकते हैं सारे। और भी बहुत सारे काम हैं जो इसमें आप, जब ये जो एक्सप्रेशन ब्लेंड है उसमें अगर आप करें तो बहुत सारे इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बुक्स भी मिल जाएंगी आपको XAML के ऊपर अच्छी खासी, इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल है। लेकिन ये एक साइड की चीज़ है, यानी जो बेसिक है वो आपकी वही है जो हमने वहाँ पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड के लिए आप चाहें तो WPF को यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, वैसे ये इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था, लेकिन स्टिल अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, सही है। चलो, तो ये बात हो गई हमारी।